आचार्य कुंदकुंदे विरचित समयसार परमागम संवर अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से संवर होता है। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से संवर कैसे होता है, इसकी चर्चा 186 गाथा में चली। इसकी टीका भी अपन पढ़ चुके हैं। इसकी टीका में जैसे कि आचार्य अमृतचंद्र की शैली है, आचार्य अमृतचंद्र की, कि वे किसी न किसी तथ्य को, सिद्धांत को आधार बनाते हैं। और यहाँ उन्होंने ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है और अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होता है, इस सिद्धांत को आधार बनाया है। अनुशीलन का वाचन करेंगे अभी अपन, तो जिसमें जैसे नाचार्य का, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, गुरुदेव का, ये सभी उद्धरण साथ में दिए हुए हैं। इस टीका से जैसे नाचारी का और गुरुदेव का उद्धरण लिया हुआ है वो पढ़ते हैं अपन। अनुशीलन में 102 पेज पर आचार्य जैसे ने भी इस गाथा की टीका में इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। अंतर मात्र इतना ही है कि जहाँ आत्मख्याति में ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है और अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होता है, यह न्याय प्रस्तुत किया है, वहाँ तात्पर्य वृत्ति में उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, यह न्याय प्रस्तुत किया गया है। इसमें अंतर क्या हुआ अमृतचंद्र आचार्य के कथन में और जयसेन आचार्य के कथन में? हाँ, अमृतचंद्र आचार्य ने मात्र आत्मा पर घटित किया और जयसेन आचार्य ने सब द्रव्यों पर घटित किया। सामान्य उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, तो सब द्रव्यों पर लागू होगा। अब उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, इस सामान्य को यदि आत्मद्रव्य पर विशेष रूप से लगाया जाएगा तो यहाँ क्या होगा? चूँकि आत्मा उपादान से ज्ञान रूप है इसलिए उसके कार्य ज्ञान रूप होते हैं। तो वे सामान्य, जैसे आचार्य ने सामान्य पर लिया और अमृतचंद्र आचार्य ने विशेष आत्मद्रव्य पर घटित किया। पीछे ये बात भी ध्यान दी होगी कि जो चर्चा ज्ञान में भाव से ज्ञान में, अज्ञान में से अज्ञान में जो बात चल रही है, इसके पिछली गाथा में यहाँ वो स्वभाव नहीं छोड़ता, ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, कर्म से संतप्त होने पर भी ज्ञानी स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये जो बात ली गई थी वह द्रव्य स्वभाव की नहीं थी, पर्याय स्वभाव की थी। पर्याय में सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित ज्ञानी, इसकी बात थी। ऐसे यहाँ पर भी उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ये त्रिकाली उपादान के लिए नहीं है, क्षणिक उपादान के लिए है। कार्य का नियामक क्षणिक उपादान है, इसलिए जब ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, परिणमन रूप कार्य हो रहा है, उस समय जो क्षणिक उपादान रूप द्रव्य होगा वह सम्यक ज्ञान रूप परिणत द्रव्य ही होगा, इसलिए वो ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय होते हैं। तो वो उपादान रूप से भी पर्याय रूप से परिणत सम्यक ज्ञान से, यदि त्रिकाली उपादान लिया जाए तो ये तथ्य नहीं बैठेगा कि त्रिकाली उपादान की अपेक्षा सर्वजीव ज्ञान में है। ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान लक्षण वाले हैं, लेकिन उसी में से कुछ जीव ज्ञान में परिणमित होते हैं,
कुछ जीव अज्ञान में परिणमित होते हैं, त्रिकाली उपादान के अनुसार कहाँ हो रहा है। इसलिए उपादान कारण के सदृश कार्य होता है ये क्षणिक उपादान। सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित होगा तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा होगा तो मिथ्या ज्ञान। देखो यहाँ आचार्य जैसे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कार्य तो उपादान के सदृश ही होता है। इस गाथा का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो गाथा में शुद्धम वियानंतो वाक्य आया है, इसका यह अर्थ किया है कि जिसको ऐसा अटूट धारावाही ज्ञान में परिणमन हुआ है कि मैं तो सदा ही आनंद स्वभाव में हूँ, तथा ऐसे ज्ञान में परिणमन से जो सदा शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है उसे राग द्वेष मोह रूप अशुद्धता की संतति का निरोध होने से शुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से ज्ञानी जीवों को ज्ञानमय भावों में से ज्ञान आनंद व शांतिमय भाव ही उत्पन्न होता है। ये गुरुदेव की शैली वहाँ ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय होता है का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अनंत गुणांशते समकित, तो अनंत गुणों में निर्मलता आई है, तो हर गुण की प्रकटता, ऐसे ज्ञानमय भाव हो रहा है तो सम्यक ज्ञानमय है, आनंदमय है, शांतिमय है, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। पीछे किसी कलश में ऐसा शब्द आया, पर जो पृथक करते हुए अपने आप को ज्ञान घन देखता है, द्रव्यांतरेभ्य पृथक जो है ना, उसमें क्या शब्द दिया है, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नियतो व्याप्तुर्यदस्य आत्मनः, फिर से शुद्ध नियतो व्याप्तुर्यदस्य आत्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन मिह, द्रव्यांतरेभ्य पृथक पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन मिह। तो गुरुदेव अर्थ करते हुए कहते हैं पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण दर्शन घनस्य, पूर्ण वीर्य घनस्य, पूर्ण आनंद घनस्य, मैंने वो ज्ञान घन कहा, इसका अर्थ अकेला ज्ञान घन नहीं, वो आनंद का घन है, दर्शन का है, वीर्य का है, मैं अनंत गुणों का है। ज्ञान शब्द भले ही कह दिया गया हो लेकिन उसके साथ वो सब गुण उसमें शामिल है, इसलिए ज्ञान में भाव परिणमित हुआ माने आनंद शांति इस रूप से परिणमित हुआ है। उन्हें अशुद्धता नहीं होती, रागादि विकार नहीं होता। इसका अर्थ क्या, रागी को राग में एकता होने से राग की अविच्छिन्न धारा ही प्रवाहित होती है, तथा समकिति ज्ञानी के राग से भिन्नता हो जाने से अविच्छिन्न ज्ञान धारा प्रवाहित होती है। उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि क्रोधादि में है। और दृढ़ता के लिए टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने कह दिया दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, और प्रदेश भिन्न होने से एक दूसरे के नहीं हो से एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा दृढ़ता से अंदर निर्णय किया है। तो वे अपने आप को ज्ञानी सदा ही अविच्छिन्न धारावाही आत्मा की शुद्ध दृष्टि से परिणमित होने से, शुद्ध दृष्टि से परिणमित होने से, वो पर्याय में जो राग है उसका निषेध नहीं है, वो भी चर्चा लेने वाले आगे कि वो भूमिका अनुसार जहाँ है वो है, उसके बाद भी दृष्टि दृष्टि कहाँ है, शुद्ध दृष्टि से परिणमित होने से अविच्छिन्न रूप से शुद्ध ज्ञान में परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं, उनके ज्ञान व आनंद के वेदन रूप परिणमन में भंग नहीं पड़ता। ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से ज्ञानी के नए कर्म आने में निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध हो जाता है। बस वस्तुतः इसी संतति निरोध का नाम संवर है। ज्ञान की धारावाही एकाग्रता की प्रकटता और राग में भाव का निरोध होना ही वास्तविक संवर है। जहाँ अविच्छिन्न धारा से ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ वहीं राग द्वेष मोह की संतति टूट जाती है,
यही संवर है, यही धर्म है। संवर होने पर शुद्धात्मा से भेंट हो जाती है, राग द्वेष मोह की संतति टूट जाती है। ये पीछे भी प्रकरण में अपन ने देखा था, चौथे गुणस्थानवर्ती की अनंतानुबंधी संबंधी धारा टूटती है, पंचम गुणस्थानवर्ती की दोकषाय चौकड़ी के राग द्वेष मोह की संतति टूटती है, और मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की संतति टूटती है, और अनंत भगवान के तो पूरे ही राग की संतति टूट जाती है। तो वो उसी विवक्षा से वहाँ लेना है। अब गुरुदेव का अनेकांत घटित करने का तरीका, प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है, कार्य कभी उपादान से हो जाता है, कभी निमित्त से होता है, ऐसा देखने में आता है। तो इसलिए दोनों पर कहना चाहिए, उपादान के अनुसार ही कार्य होता है, ये बात तो ठीक नहीं है। कभी उपादान से, कभी निमित्त से, ऐसा लागू करना चाहिए। अतः ऐसा अनेकांत क्यों न मान लिया जाए? भाई, अनेकांत ऐसा नहीं होता। अनेकांत का स्वरूप तो ऐसा है कि शुद्ध आत्मा के अनुभव से संवर होता है, तथा दयादान आदि शुभ परिणाम से संवर कभी नहीं होता, क्योंकि वह शुभ परिणाम आश्रव है। कार्य हमेशा उपादान से ही होता है तथा निमित्त से नहीं होता, यही सम्यक अनेकांत है। निश्चय की विवक्षा लगाई जाए तो सम्यक अनेकांत ऐसा ही लगेगा। अब व्यवहार की अपेक्षा ही खड़ी करोगे, अब व्यवहार का जो कथन आएगा उसको सामने ला करके रखोगे तो कहना पड़ेगा, वो व्यवहार की विवक्षा है। इसलिए गुरुदेव बार बार इसे कहते हैं कि व्यवहार का ज्ञान कराया गया है, यहाँ इसका ज्ञान कराते हैं। भाई, ये उस रूप में, निमित्त के रूप में किसकी उपस्थिति थी, इसका ज्ञान कराते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उस कार्य का कर्ता होगा। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है, तो वो उस वही तात्पर्य हो गया ना। हाँ, तो कर्ता नहीं है और कर्ता कहा जा रहा है, नहीं और कहा जा रहा है, तो क्यों कहा, ये क्या निमित्त था, इसका ज्ञान करा दिया। हाँ, निमित्त का ज्ञान करा दिया, इसलिए निमित्त कर्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे प्रश्न और उत्तर में सुमेल नहीं है, प्रश्न तो निमित्त उपादान की बात थी, आधा कहो उपादान से होता, आधा निमित्त से होता, ये कहो ना। हाँ, अब वो उत्तर दे दिया, संवर किससे होता है और नहीं होता है की बात ले रहे हैं, वो कहाँ से बात आई। संवर का उपादान कारण क्या है? संवर आत्मा का कार्य है तो उसका उपादान कारण शुद्ध आत्मा का अनुभव ही है, यही है, इसी से होगा। नहीं तो सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री कहा तो है, गुप्ति समिति धर्म इन सबको तो कहा हुआ है, और वे क्रियारूप वाले कहा है। ऐसा नहीं अकेले द्रव्य भाव, द्रव्य वाले भाव वाले, वो भाव वाले शुभ भाव वालों को भी कहा है। ये सब कहा, वद समिति गुत्ति रूवो धम्मानुपिहा परि सहज वो य, और मैंने ये चारित्रम खलु भेयम, ये कह दिया। और फिर ये कहा कि ये जो है वो कैसे हैं।